हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए लूज टॉक का एक और एपिसोड, जिसमें मोइन अख्तर एज अ बांग्लादेशी क्रिकेटर। सो ये पहले मेरे को पढ़ते ही हंसी आ रही, बिकॉज मोइन अख्तर जो है वो एक बांग्लादेशी क्रिकेटर बनेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान की आपको पता है कि हिस्ट्री अलग ही थी, बिकॉज पाकिस्तान जो था पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था, फिर वो अलग हो गया था। सो अब वो कहीं ना कहीं चीज़ें भी हो सकती हैं। और फिर बांग्लादेश था, अब देखे थे बांग्लादेश का क्रिकेट भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, एंड उसमें भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, अब करता है, पहले उस टाइम कैसा था, क्या था, कैसा नहीं था। सो देखते हैं फिर ये कैसी होगी। और सीरियसली मैं भी उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तो मोइन अख्तर इसका करेक्टर प्ले करने वाला है, आई मीन एक्ट करने वाला है, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो होगी, क्योंकि हम ये सभी जानते कि जो मोइन अख्तर थे वो कितने अच्छे एक्टर थे, और उससे बड़े मतलब और कितने अच्छे कॉमेडी भी करते हैं वो, और उसमें कहते हैं ना वो एक एफर्टलेसली काम करना, तो बेसिकली उनकी कॉमेडी वही होती है बिल्कुल एफर्टलेसली। ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि इनमें कुछ मिलावट है, ऐसा बहुत प्योर लगता है। ऐसा लगता है कि जिस भी करेक्टर में घुस जाते हैं ऐसा लगता है कि वही है। हमने एक पठान वाली वीडियो देखी थी, लिटरली वो पठान ही लग रहे थे, उनके फेस में वो ब्लश लगाया था, लाल लाल चीक्स लग रहे थे, वैसी वो मूछें बिल्कुल ऐसे लग रहे थे। और अब इसमें एक बांग्लादेशी दिखाया, तो इसमें थंबनेल में दिखा रखा है उनका शक्ल पूरी काली कर रखी है, कि जैसे हम लोगों को पता है कि जो बांग्लादेशी होते हैं मोस्टली थोड़े उनका स्किन टोन होता है वो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्स के होते हैं गर्मी की वजह से, तो पूरा उनको काला चेहरा कर रखा है, तो बिल्कुल उस तरह घुस जाते हैं वो करेक्टर में। तो मैं तो देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो बांग्लादेशी का कैसे रोल प्ले करेंगे, तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है। वही देखते हैं मेरी वीडियो कैसे होगी, तो आप भी देखो, हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आज करके आई थी, तीन मैच खेले, तीन टेस्ट खेले, वो तीनों बांग्लादेश ने हारे, उसके बाद अभी तक तीन वनडे खेल चुके हैं, तीनों हारे, उनमें भी बांग्लादेश को कामयाबी नसीब हुई। हमारी खुश नसीबी आपको बहुत करना चाहिए कि हम बांग्लादेश का एक क्रिकेटर से आपको मिल रहा है, आगे डिटेल में जाने का क्या जरूरत है कि टीम खेल दिया वो भी हो गया साथ में टीम कितने अच्छे एक्टर है मोइन अख्तर यार, सीरियसली बेइज्जती कर दिया आपको। ऐसा बोलना चाहिए कि अभी हम आपको मुलाकात कर रहा है बांग्लादेश का एक प्लेयर से, प्लेयर सही बात है, होता है बात। हां मैं माफी मांगता हूं अगर आपको बुरा लगा है, एकदम लॉकडाउन जो फैक्ट है बुरा लगते वो तो फैक्ट है। अच्छा जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। आप जब जब भी आप हमसे बात कर किया, हम आपको शुरू में मना कर दिया था कि हम नहीं कर रहा, हमारे को लैंग्वेज प्रॉब्लम है बोला था आपको, आप बोला इज्जत देगा टीवी के ऊपर, बोला कि इज्जत देगा, आप कौन सा इज्जत दिया अभी हमारे को आपने। अगर मेरे भाई ये जो भाई नहीं बोला, भाई बोलता तो आप बेइज्जती की बात नहीं करता, सही बात है, सही भाई नहीं बोला। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी, तुमको एकदम खांसी आ गया, आई एम सॉरी हम अपना अल्फाज वापस लेते हैं, तुम बीमार है इसका इसी का वजह से हमारा शायद वर्क कर दिया, चलो ठीक है, हमको खुशी हो गया इधर आके। नहीं मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमको भी बहुत लग रहा है लग रहा है पाकिस्तान इससे पहले आ चुके हैं। हमारा देश में जब भी कोई कंपेयरिंग करता है तो उसका ये हो जाता है कि टोटल जिसको बुला रहा है उसका पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपके पास में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या रोस्ट कर रहा है आप, बोला के क्या बोला, आपका सवाल क्या था, पाकिस्तान पहले भी आ चुके हैं सर, देखो 71 में हम पैदा हो गया तो उससे पहले कैसे आ सकता है, फर्स्ट टाइम आया है, कैसा लगा, हम इधर घूमने फिरने नहीं आया है कि कैसा लग गया, हां हां इधर क्रिकेट खेलने आया था, क्रिकेट क्रिकेट। एक बात सब जानते हैं कि हमारी टीम आपकी टीम से अच्छी, एक बात सब लोग भी जानते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट तुम्हारा एक्सपोर्ट से सबसे ज्यादा अच्छा है। क्या ले ली, समझ रहा है मैं क्रिकेट की बात, आप समझ जाएगा, हम कुछ और बात कर रहे हैं।
हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट जो है बहुत जबरदस्त, और अब तो बहुत ज्यादा है पापा, ऐसा एक्सपोर्ट होता है, जूट एक्सपोर्ट हो रहा है, टेक्सटाइल में बहुत आगे, टी जो चोए तुम लोग पीता है, चोए एक्सपोर्ट हो रहा है, बांग्लादेशी एक्सेंट कितना मस्त है, बंगाली एक्सेंट। देखो अच्छा बात को मान लेना आदमी को बुरा ही होता है। मगर मेरा प्रोग्राम क्रिकेट पर है, हमारा प्रोग्राम जो है एजुकेशन है, हमारा कॉन्सेप्ट प्रोग्राम है एजुकेशन है, लेली लिटरेसी पहले नंबर के ऊपर में। अभी इधर देखेगा तुम सब कॉन्टिनेंट में एक जगह है केरला, केरला 100% लिटरेसी है। हाँ। उसके बाद में फिर आ जाता है श्रीलंका, श्रीलंका का अंदर में भी लिटरेसी के ऊपर परसेंटेज बहुत है, अभी हम लोग उभर रहा है, हमारे लिटरेसी का भी उभर रहा है, उभर रहा है, हो गया है एकदम, एंगल बहुत हार्ड, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। देखो जो बहुत है वो बोलना चाहिए। हाँ। हम लोग अपने मुल्क को इन्वेस्टर है, हमारे एम्बेसडर ने भी बोला था कि ये जो साल है आपका नाम लिया, बोला इसका उसमें जाएगा तो बहुत संभल के बात करेगा और सब बताएगा, तो हम सब बताएगा। ये मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मान रहा हूँ, अच्छी बात है। अगर आप एक टेस्ट क्रिकेटर हैं, देखो सबसे बड़ा टेस्ट क्या है दुनिया में कि कर्जा नहीं होना चाहिए, सही बात है, ओ हमारे मुल्क के ऊपर में कोई कर्जा नहीं है। आपको कितना टेंशन हुआ कि आप लोगों को मुल्क पे कर्जा 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 कर्जा, जिधर देखेगा कर्जा, हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है कर्जा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग खुद क्या बोलते हैं, तुम लोग कफिल भाई, कफिल कफिल, हम लोग कफिल है, खुद कफिल है, तुम लोग कर्जा है, $32 पर पर्सन कर्जा है, अभी बढ़ गया होगा, अभी बढ़ गया होगा है ना। मैं तो जब जब हम आपका बाद में एकदम आजादी मिल गया और हम लोग का खुद को फील हो गया था, तुम लोग पे कर्जा क्यों है, ये बात हमारे को तकलीफ देता है। आपकी बातें मैं समझ रहा हूँ, लेकिन टॉपिक क्रिकेट, क्रिकेट कहता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क बांग्लादेश है, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बांग्लादेश कमाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश की, एजुकेशन का मेयार जो है बांग्लादेश का सबसे अच्छा है। अभी कुछ झूठ भी बोल दिया तुम इसमें, ऐसा बात नहीं है, हमारा एम्बेसडर बोला जो गलत बात करे पकड़ लेना। हाँ। आप सब ऐसा अभी वो लग रहा है टोंटिंग लग रहा है, आप टोंटिंग कर रहा है, टोंटिंग ऐसा बात नहीं, जो है वो है, सही बात है, मेरी बात तो सुने आप, मेरी बात की तरफ से कह रहे क्या है, हमने आपको बुलाया क्रिकेटर की वजह से, हाँ अपना तरफ से तो कुछ भी नहीं बोला, क्या बोला हम अपना तरफ से, कुछ भी नहीं, अपना तरफ से कोई बहुत कर दिया, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सवाल सुने और उसका जवाब दिया, आपका जितना भी बहुत किया उसका रिलेवेंट जवाब दिया है, सही बात की है, बात बुरी लगी है, हाँ जी, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आपको मांगनी भी चाहिए, आपसे जरूरत नहीं, हम अपना मुल्क को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, आपने हमसे माफी मांग लिया, हमारा दिल क्लियर हो गया, हम पूरा मुल्क की माफी हो गई। देखिए आप एक टेस्ट क्रिकेटर हैं, आप सिर्फ क्रिकेट पे बात करें, तुम लोगों का एक खराबी है, क्या जो चीज में हम लोग ठीक है तुम लोग उससे काहे को नहीं बात करता, सही बात सही बात है, हमारे सच में उस पर बात करो जिसमें हम लोग अच्छा है, एक्सपोर्ट पर बात करो, एजुकेशन पर बात करो, सारे उस चीज पर बात करो। आपका ताल्लुक अगर सियासत से होता तो मैं सियासत पे बात करता, आप एक टेस्ट क्रिकेटर हैं, पहले हम बंगाली हैं, बंगाली सबसे पहले हम बंगाली हैं, हाँ क्रिकेटर है, ये हुई ना बात, करोगा आपको मर्जी है, नहीं करनी है तो जाइए, सर ये रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह तो मैं नहीं कर सकता, किसी बात का ये जवाब ही नहीं दे रहे हैं, किससे बात कर रहा है, वो आपके डायरेक्टर है, अच्छा आपका डायरेक्टर है, आप लोग को भी कोई डायरेक्शन देता है, अगर तुम लोगों को डायरेक्शन होता है ये कौन ऐसा तो नहीं होता जैसे जिधर जा रहा है, मिलते हैं एक बंगाली के बाद, कहते हैं ना किसी की बेइज्जती करना प्रॉपर,
तो इस वे में करते हैं बेइज्जती, ना किसी गाली का यूज किया है ना ही कुछ और। कहते हैं ना सार्कास्म इसमें कूट कूट कर भरा हुआ था, और जो मतलब कहते हैं ना मोइन अख्तर ने ली है ना, मतलब मजे आ गए लिटरली इतने टाइम बाद। तो मैं तो इतना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ ना स्टूडियो को देखने के बाद। कहते हैं ना प्रॉपर मजा आना वो आया कि स्टार्टिंग में जैसे इन्होंने स्टार्ट करा कि लाइक इंटरव्यूअर ने कि ऐसे करके कि बताइए आप क्रिकेट में, मतलब स्टार्टिंग ही उन्होंने बांग्लादेशों की बेइज्जती करने से की कि लाइक आप पहले 3 मैच हार गए, फिर टेस्ट मैच हार गए है ना, फिर उन्होंने वो अपने पर आ गए मोइन अख्तर की लाइक बताओ क्या है तुम, हम एक्सपोर्ट में अच्छे हैं है ना, हम लोग हमारी लिटरेसी रेट बहुत है, पाकिस्तान के पास क्या है कर्जा से भर रखा है ना। अगर फिर कहते कि जो लास्ट में सबसे फनी मुझे लगा कि जब उन्होंने इंटरव्यूअर ने कहा कि ऐसे कर सर के कि क्या कर रहे हैं सर बंद कर दो ये वो, तो कहते अच्छा आपको भी कोई और डायरेक्शन दे रहा, अगर दे रहा तो आवाम इस लाइन में नहीं चल रही होती। उन्होंने इतनी अच्छी वो ली है ना लाइक लिटरली इस इंटरव्यू को मैं जितनी बार देखू कम है। और अगर हम बात करें मोइन अख्तर की, लिटरली इतनी अच्छी एक्टिंग करी है ना, वो इंसान ही अजब थे सीरियसली बोल सकते हैं कि लाइक उनका हमने पठान वाला देखा, पठान वो पठान जैसे बन गए, उनकी एक्टिंग से लेकर एक्सेंट तक उनका बिल्कुल परफेक्ट था, ऑन द पॉइंट था, कोई किसी में उनमें कमी नहीं निकाला था। अगर हम बांग्लादेशी वाली बात करें प्रॉपर बंगाली होते हैं ना वो था, ये कलर से लेकर अगर हम एक्सेंट तक बात करें प्रॉपर A1 था। बहुत ही मजे आ गए मुझे तो देखकर, और जिस हिसाब से पाकिस्तान की बेइज्जती करी है वो लिटरली बहुत ही ज्यादा फनी था वही। और साथ में यार एक बहुत एक्चुअली इतना फनी वीडियो था क्योंकि इसमें वो जिस तरीके से वो बार बार हमको क्रिकेट पर बात नहीं करना, हाँ। हमको बात करना है एक्सपोर्ट पे, एजुकेशन हाँ। पे। और बांग्लादेश अभी भी ऐसा है, बांग्लादेश का अभी तो ऐसा है कि लाइक पर कैपिटल जीडीपी मैंने अभी पढ़ा था, देखा जाए तो वो इंडिया से भी आगे हो गया, बिकॉज बांग्लादेश इस चीज़ में बहुत आगे बढ़ चुका है, लाइक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इन सब में बहुत अच्छा हो चुका है, एंड उसमें उनकी बहुत तगड़ी कमाई चल रही है। सो लाइक वो बार बार ये कि एक्सपोर्ट का बताओ और ये बताओ, और वो बार बार ये कह रहे कि हम तुमसे अलग हुआ उसके बाद हम इतना कमा रहे हैं उस पर बात करो, क्योंकि क्रिकेट में बांग्लादेश अभी भी पाकिस्तान से तो बहुत पीछे है और वो हार जाता है अभी भी, मतलब अब टक्कर का मैचेस होते हैं पर लेकिन अभी भी हार जाता है, और पहले तो बहुत आराम से हार जाया करता था, तो वो उस पर बात करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा वो देखा था हनुमान मकसूद की भी गलती है, इंट्रो कौन ऐसा देता है, इनके 3 मैच खेले 3 हारे, फिर 3 ODI खेले वो भी 3 हारे, ये ऐसे ऐसे किसकी बेइज्जती कराई जाती है। तो उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया मोइन अख्तर ने, हर बार उनको इतना छील दिया ना, इतने मतलब बेइज्जती कर 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 करके, और वो बोल रहे भाई हम पहले बांग्लादेशी है, हम बात करेंगे इसके ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर। और देखें तो अभी तक ये बात सारी रेलेवेंट है, लाइक पाकिस्तान के ऊपर अभी भी कर्जा बहुत है, बांग्लादेश के ऊपर अभी भी कर्जा, अब कर्जा काफ़ी और कम हो गया, उनके एक्सपोर्ट हर चीज़ बहुत हाई चल रही है, तो लाइक सब चीज़ अभी भी रेलेवेंट है। तो यार बहुत फनी वीडियो थी, आप लोगों को कैसी लगी आपको जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।